दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। डेली का रूटीन है, सब आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो बास्टर्ड पाम मिंजा, ठीक है। श्याम पद्मा, पद्मा अभी चारे की राह देख रही है, क्योंकि चारा वहाँ पे देख लिया है पद्मा ने। अभी जोगरस थोड़ी देर में कटिंग करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे तन्वी, अर्जुन और हमारी छोटी गेंग मुर्को की, ये भी अपने मौज में दोस्तों यहाँ पे घूम रहे हैं। देखिए सभी मुर्गे तो अपनी मौज में रहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे किंग का दबदबा है हमारे पाम पे, तो ये घमंड भी हमें बहुत जल्दी अभी पैक करनी पड़ेगी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई अभी दोस्तों। 3-4 दिन में हमें ये पूरी कमांड तालपत्रे से ढकनी पड़ेगी दोस्तों, कागज़ से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ठंडी का मौसम भी शुरू हो गया है दोस्तों, और ये पूरा ये भी ढकेंगे, और दोस्तों न्यू कमांड है वो भी ढकेंगे। आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ न्यू कमांड भी, वो भी पूरी हम ढकने वाले हैं 2-3 दिन में। और दोस्तों ये भी साइड हमें पूरा पैक करेंगे, और दोस्तों फीमेल इस साइड रहेंगी सभी, और उस साइड मेल डालेंगे, और छोटे बच्चे हैं उनको भी, और ये पूरा पैक करने वाले हैं हम 1-2 दिन में, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे पड़ रही है। ये दोस्तों ये 2-3 दिन में हमें काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तो अभी इनकी मस्ती चालू है। देखिए दोस्त तोरल की, ध्यान से, और तोरल की दोस्तों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है अभी, साथ में अश्विनी भी है। यहाँ पे सबके लीडर अभी चारे की राह देख रही है, वहाँ पे जो कटिंग चालू है और देख रही है कभी चारा में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान सी और तोरल अलग ही मूड में है दोस्तों, काफी देर से मस्ती कर रहे हैं दोनों और साथ में खेल रही हैं। अभी जोगान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मकई है दोस्तों, मकई भी हम सुबह शाम देते हैं जोगान में, अभी मैं भिगाऊंगा सब। और ये बाजरा और गेहूँ है, और ये भूसा है दोस्तों, ये तीनों मिक्स करके हम भिगा देते हैं, और शाम के टाइम पे देते हैं, और सुबह में भी ऐसा करते हैं दोस्तों, रात को भिगाते हैं और सुबह देते हैं। ये डेली का हमारा रूटीन है दोस्तों। अभी मूंग की जो फोतरी आने वाली है, वो 2-3 दिन में आ जाएगी, वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों जोगन में। ये दोस्तों बाजरा, भूसा और मकई, ये तीनों मैंने मिक्स कर दिए हैं। अभी दोस्तों थोड़ी देर में मैं इसमें पानी भिगा के जो शाम के लिए बना के रख दूंगा। और एक भाई ने हमें सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप जोगन में क्या क्या देते हैं घोड़ों को, इसलिए उनके लिए ये ब्लॉग में वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ दोस्तों। लाइन में बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों, पानी मौज ले रही हैं। देखिए दोस्तों डोली और रॉकी दोनों साथ में, अभी रॉकी तो यहाँ पे नीचे ही बैठता है दोस्तों, और डोली यहाँ पे बैठी है, और बुजो अभी भी बांधा हुआ है, क्योंकि बुजो को अभी दोस्तों जख्म लगा है, वो अभी रिकवर नहीं हुआ, इसलिए अभी हम इसको बांध के ही रखते हैं। भाई डोली देखिए, तो मैं आपको दिखाया हमने जो पत्थर पड़े थे वो सब हटा लिए थे, और आधे में रह गए थे। अभी जोग्रासियाँ अभी एक टब में भर रहे हैं, इसके बाद हम वहाँ पे फेंकेंगे दोस्तों पूरा टब, और उसे सब पत्थर अभी इकट्ठे कर रहे हैं हम, क्योंकि इनके चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो बहुत ज़्यादा पत्थर हैं छोटे छोटे। यहाँ पे जो ग्रह चालू है अभी, जितने भी पत्थर थे अभी हम, मैंने और जो ग्रह ने सभी उठा लिए हैं, अभी थोड़े से उस साइड रहे हैं, वो कल परसों हम कर लेंगे। बाकी सब यहाँ से पत्थर सभी हम दोनों ने मिल के अभी उठा लिए हैं, सब यहाँ पे अभी जमा कर दिए हैं। देखिए दोस्तों एक साइड में अभी रख दिए हैं, बहुत सारे पत्थर निकले हैं इसमें से, क्योंकि इसमें हमने मिट्टी और सब डलाई थी न्यू गमाड़ में, इसलिए इसमें पत्थर भी आ गए थे दोस्तों साथ में। देखिए हमारी जो सबसे पुरानी गौ माता है, ये इस प्लॉट में घूमती रहती है, और सभी गौ माता वहाँ पर चलने जाती हैं, और ये अकेली यहाँ पर खाती रहती है दोस्तों। देखिए वो खड़ी गौ माता अभी चारा खा रही है वाले इस प्लॉट में दोस्तों, ये अकेले ही रहती है यहाँ पे, और चारे की मौज लेती हुई। देखिए
फास्ट एंड फॉर्म इंजन। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कल एक नए ब्लॉग के साथ आपसे जुड़ते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सो फास्ट एंड फॉर्म इंजन।